जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचर वर्ल्ड की सत्य घटनाओं से बनी हुई सच्ची कहानियों की श्रृंखला में। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जो भगवान के सीधे साधे भोले भाले भक्त होते हैं, वह किसी भी प्रकार की अनुभूति को, चाहे वह सुख की अनुभूति हो या दुख की अनुभूति हो, वह सहन नहीं कर पाते। किसी न किसी को, अपने प्रिय को, वह अवश्य ही उसे अपने अनुभव को बता देते हैं, शेयर कर देते हैं। भगवान की हृदय स्पर्शी दिव्य लीलाओं को समेटे हुए यह सच्ची कहानी है भक्त श्री नानू भगत जी की। अयोध्या धाम से 8 कोस पूर्व की ओर सरयू जी के किनारे एक सेरवा घाट है। उसी घाट के पास स्थित एक गांव में नानू भगत जी रहते थे। वहीं पर श्रृंगी ऋषि का भी आश्रम पड़ता है। ये अहिर जाति के थे और उस समय अहिर जाति के लोग गाय पालने और उन्हें चराने का ही प्रमुख कार्य किया करते थे। सन 1857 की क्रांति तक वहाँ रामलीला हुआ करती थी। ये उस रामलीला को आनंद पूर्वक देखते थे। गायों को चराने के लिए छोड़कर स्वयं एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करते। जब वहाँ 1857 के बाद जो गदर हुआ था, तब ये उस स्थान को सुरक्षा की दृष्टि से छोड़कर बस्ती जिले में चले गए। वहाँ गोपियापार नामक एक गांव में रहने लगे। वहीं पर इनका विवाह हुआ। इनके पिता कुछ समय पूर्व ही चल बसे थे, परंतु माता कुछ समय और भी इनके साथ रही थी। इनके कई बच्चे भी हुए, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहा। इस प्रकार परिवार में केवल 2 ही लोग बचे। भगवान के भजन में इन्हें बहुत आनंद आता था। हर समय भगवान का नाम लेते रहते थे और अपनी पत्नी को भी भजन के लिए प्रेरित करते थे। इस प्रकार दोनों पति पत्नी भगवान के भजन में अधिक समय बिताया करते। जीवन यापन के लिए जो आवश्यक सामग्री थी, वह उनकी खेती से प्राप्त हो जाती थी। पूरे वर्ष में एक बार भागवत कथा अवश्य ही सुनने जाते थे। इनके भजन करने का तरीका बड़ा ही विलक्षण था। ये पढ़े लिखे तो थे नहीं, गिनती इन्हें कुछ आती नहीं थी, तो इन्होंने एक तरीका अपनाया। वह क्या था कि उस समय किलो के स्थान पर शेर चलता था, तो एक शेर अनाज ले लेते थे। अनाज में अरहर या चना इत्यादि किसी के भी दाने लेकर के अपने पास रख लेते और उन दानों को उस प्रकार उठा करके रखते जिस प्रकार ये भजन करते जाते। अर्थात जैसे एक बार नाम जप कर लिया तो एक दाना उठाकर रख दिया। इसी प्रकार से एक शेर भजन ये करते थे सुबह और एक शेर शाम को, उन दानों के अनुसार इनकी मात्रा थी। और यही इनकी पत्नी किया करती थी। दोनों पति पत्नी अलग अलग बैठकर, अर्थात ये एक साइड में बैठ जाते थे और पत्नी दूसरी साइड में। कुछ समय पश्चात इनकी पत्नी का भी शरीर पूरा हो गया, अब ये अकेले रह गए। उसके पश्चात इन्होंने अपने खेत को किसी को बटाई पर दे दिया और उससे यह निश्चय कर लिया कि इनके जीवन निर्वाह के लिए वह कुछ अनाज इन्हें देता रहेगा, बाकी वह अपने काम में ले ले। अब जब ये अकेले रह गए, उसके पश्चात तो पूर्ण रूप से भगवान को ही समर्पित हो गए और धीरे धीरे फिर इन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं के अनुभव होने लगे। इनका स्वभाव इतना सरल था, इतना भोला था कि जो लीलाएं इनके अनुभव में आती थी, यह उनको अपने प्रिय से, किसी न किसी से कह देते थे, बता देते थे। एक बार यह अपने किसी मित्र के साथ भाव विभोर होकर कहने लगे कि मैंने तुलसी में जल डाला, फिर पीपल में जल डाला, तो एकदम चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। उसी प्रकाश में मुझे भगवान के दर्शन होने लगे। और ऐसा वर्णन करते करते ही यह ध्यानस्थ हो गए, बाह्य ज्ञान नहीं रहा। जब इनके मित्र ने इन्हें झकझोर कर पुकारा, तब इनका ध्यान भंग हुआ और बाह्य ज्ञान हुआ। और बाह्य ज्ञान जब हुआ, तो ध्यान में देखे हुए दृश्यों का पुनः वर्णन करने लगे। जो कुछ वर्णन वह कर रहे थे, उसे सुनकर गाँव वाले उन्हें पागल समझने लगे। अब नानू जी को लगा कि यदि वह पागल ही बने रहते हैं, तो उन्हें यह दिव्य आनंद प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि किसी से लेना देना नहीं रहेगा, कोई उनसे बातचीत अधिक करेगा नहीं। इसलिए पागल बनना ही अच्छा है, जिससे भगवान की लीलाओं में खोए रहें। इसलिए वह सबकी दृष्टि में पागल ही बने रहे, परंतु उनकी वृत्ति अंतर्मुखी हो चुकी थी। एक बार माघ मास की सर्द रात्रि को, जब सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, उस समय भगत नानू जी भगवान श्री कृष्ण से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वह उनके सामने प्रत्यक्ष खड़े हों।
भजन भले ही यह भगवान राम का करते थे, परंतु एक भक्ति ही समझ सकता है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भगत जी भगवान की लीलाओं में डूबकर कह रहे थे, दादा ओ दादा, इतनी सर्दी में तुम वृंदावन में एक काली कमली ओढ़कर गाय चराते होगे, तुम्हें सर्दी लगती होगी। ऐसा करो, अभी तो आ जाओ, तुम मेरी रजाई में आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी रजाई उड़ा देता हूँ। दादा आ जाओ। कहते कहते भाव विभोर हो जाते, रोने लग जाते, कभी अपनी रजाई को उठाकर फिर उसे रखने लग जाते। यही क्रम करते करते इन्हें रात्रि का एक बज गया, फिर इन्हें नींद आ गई। जब नींद आ गई तब इन्होंने देखा कि बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण इनके दरवाजे पर आकर कह रहे हैं कि भगत ओ भगत, मुझे सर्दी लग रही है, जाड़ा लग रहा है। भगत के पड़ोस में ही एक लड़का जगदेव रहता था, वह उनके पास आता रहता था। इस कारण इन्हें ऐसा लगा कि शायद जगदेव ही आकर कह रहा हो, तो बोले कि कौन, अरे जगदेव तुम ही हो क्या? भगवान श्री कृष्ण बोले कि अब तक तो रो रो कर मुझे पुकार रहा था और अब जगदेव जगदेव कर रहा है, ठीक है तब मैं जाता हूँ। जब भगवान ने ऐसे कहा तब नानू भगत को लगा कि अरे मैं तो भगवान श्री कृष्ण को बुला रहा था, कहीं ये वही तो नहीं आ गए। वह एकदम से चारपाई छोड़कर दौड़े, दादा ओ दीनानाथ, दीनानाथ सुनो सुनो। प्रिय भक्तों, जब उन्होंने भगवान को बहुत खोजा पर वह नहीं मिले, तब वह निराश होकर रोते हुए वापस आ गई और अपनी रजाई में आकर बैठ गई। अब जब लीलाधर को लगा कि मेरा भक्त बहुत दीन हो रहा है, उदास हो रहा है, तब उन्होंने बड़ी विचित्र लीला की। नानू भगत को अपनी रजाई के अंदर तारे दिखने लगे। जो तारे हमें आसमान में दिखाई देते हैं जब कोई आवरण नहीं होता आंखों के सामने, तब तो वह तारे उसको रजाई के अंदर दिखाई दे रहे थे, मानो कोई आवरण ही न रहा हो, रजाई का झोपड़ी का कोई आवरण नहीं। प्रिय भाई बहनों, थोड़ी देर में एक लहरें लेता हुआ दिव्य प्रकाश दिखलाई पड़ा। प्रकाश ऐसा था जैसे पानी में लहरें उठती हैं, वैसे ही उस प्रकाश में लहरें उठ रही थीं। उन्हीं उठती हुई उत्ताल तरंगों में, लहरों में अंतरंग होते हुए भगत जी साकेत धाम पहुंच गए। उन्हें भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, जानकी जी आदि के दिव्य दर्शन होने लगे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने सभी को साष्टांग दंडवत किया, फिर बोले कि प्रभु भरत जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उसी समय भरत जी ने भी उनको दर्शन दिए। इसके पश्चात उन्होंने वहाँ बहुत से सुंदर सुंदर दृश्यों को देखा। फिर उन्हें उसी धाम में उनके रहने का जो स्थान निश्चित किया गया था शरीर छूटने के बाद, वह दिखाया गया कि तुम्हें शरीर छूटने के पश्चात यहीं आना है, यह स्थान भगवान श्री राम ने तुम्हारे लिए निश्चित किया है, वह भी एक दिव्य भवन था। फिर उन्हें उनके गुरु एवं दूसरे प्रमुख संत महात्माओं के दर्शन, संत महात्माओं का जो स्थान था उनके दर्शन कराए, जहाँ पर शरीर छूटने के पश्चात वो लोग आएंगे। भक्तों, ऐसे दिव्य आनंद की अनुभूति को केवल अधिकारी लोग ही अनुभव कर सकते हैं। हर एक को इन बातों पर विश्वास नहीं हो सकता। जिसकी प्रभु के प्रति निष्ठा होगी, प्रेम भाव होगा, दृढ़ता होगी प्रेम में भगवान से, वही इस बात को समझ सकता है, अनुभव कर सकता है। अब दूसरे दिन भगत को यह सब बातें पची नहीं, सरल स्वभाव के तो थे ही, भोले थे, उनका मन हो रहा था कि किसी को ये बातें बताएं, तब उन्हें और आनंद की अनुभूति हो। तो उन्होंने ये सब जो उनको अनुभव हुए थे, ये सब बातें उन्होंने एक भक्त को बताई, और जब उस भक्त को बताई तो वह तो यह सब बातें सुनकर इन्हें पागल समझने लगा। उसने सोचा कि भगत को पागल हो गया, रजाई में कहीं तारे दिखते हैं और रजाई में लेटे लेटे कोई भगवान के लोग साकेत धाम पहुंच जाएगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। अब वह सब बातें, ये सब बातें उसके मन में चल रही थी, वह कह तो कुछ नहीं रहा था, उल्टा गंभीर भाव बनाकर सभी बातें पूछता रहा। इस प्रकार उस भक्त ने अविश्वास से मुस्कुराकर उनकी बातों को सुना और सुनकर उन्हें पागल समझा। परंतु जब नानू भगत इस लोक को छोड़कर साकेत धाम चले गए थे, तब उसे अपनी इस भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ, और तब उनका महत्व से समझ में आया था कि मैंने ऐसे उच्च कोटि के भक्त पर अविश्वास जताया, उनकी अनुभूति को झूठा समझा।
प्यारे प्रभु प्रेमियों, दूसरे दिन फिर से नानू भगत को पुराने समय की बहुत ही अनुभूति होने लगी। जैसे भगवान वृंदावन में काली कमली को ओढ़कर गाय चरा रहे हैं, उनको सर्दी लग रही है। नानू फिर से उसी भाव में कहने लगे, दादा ओ दादा, आपको सर्दी लग रही होगी, आ जाओ मेरी रजाई में आ जाओ, मैं आपको अपनी रजाई उड़ा देता हूँ। प्रिय भक्तों, भगवान प्रकट तो हुए परंतु अपनी बांसुरी दिखा दिखा कर क्रोध से भरकर भगत को डांटने लगे और बोले कि क्यों रे मूर्ख, तूने सारी बातें उसे बता दी, जो अनुभव तुझे हुए तूने उसे क्यों बताए, ये कोई बताने की बातें हैं, और तूने जिसे बताए वह तुझे पागल समझ रहा है। भगत जी तो इतने भोले भगवान से कहने लगे, प्रभु आप क्यों नाराज होते हैं, वह तो बहुत अच्छा आदमी है, आप व्यर्थ ही क्रोध तो हो रहे हैं। प्रिय भक्तों, भोले भाले सरल लोगों से न तो सुख की बातें सहन होती हैं न दुख की। दूसरे दिन नानू भगत तो उसी व्यक्ति के पास पहुँचे जिन्हें उन्होंने यह सब अनुभूतियाँ बताई थी और जिसने उन्हें पागल समझा था। वह ब्राह्मण नानू भगत के मित्र का लड़का था। भगत उससे जाकर बोले, अरे हमें भगवान इतना डांट रहे थे, हमने जो बातें तुम्हें बताई, यदि तुम्हें उन पर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, तो हमसे कहा क्यों नहीं, हमसे कह देते तो हम तुम्हें क्यों बताते, आप हमें पागल समझते रहे और भोले बनकर हमसे बातें भी पूछते रहे, आपको ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए था जिससे भगवान नाराज हों या प्रभु को दुख हो। वह हम पर क्रोधित हो रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उसे सभी बातें क्यों बताईं, वह तुम्हें पागल समझता है, फिर भी तुमने उसे अपने सभी अनुभव बता दिए। प्रिय भाई बहनों, इतनी बात सुनकर उस ब्राह्मण बालक को बहुत पश्चाताप हुआ। अब उसकी समझ में यह बात आ चुकी थी कि यह तो बहुत ही पहुँचे हुए भक्त हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनको ये सब बातें आकर बताई हैं, अन्यथा मेरे हृदय की बात यह कैसे जान सकते थे। अब तो वह डर के मारे कांपने लगा। तब भगत ने उसे ढाढ़स बंधाया। इसके पश्चात वह ब्राह्मण बालक किसी संत के पास गया और उसने यह सारी घटना उनको सुनाई कि भगवान का और उनके प्रिय भक्त का उससे अपराध हुआ है। भगत जी को जो अनुभूति हुई उन्होंने मुझे बताई और मैंने उन पर अविश्वास दिखाया, इसलिए भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं। उन्होंने भगत जी से कहा है कि तुमने ऐसे अविश्वासी व्यक्ति को अपने दिव्य अनुभव की ये सब बातें क्यों बताई। तब उन संत ने कहा कि तुम भगवान से और भगत जी दोनों से उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांग लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार भगत जी एक जंगल के रास्ते से होते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। उन्हें उस रास्ते में एक बड़ा ही खूंखार सांड मिला जो अकेले मनुष्यों को देखकर मार देता था। अब भगत जी तो अपने आराध्य से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, ये सांड तो मुझे मार डालेगा और इसमें आपकी ही आलोचना होगी कि भगवान का भक्त था भगत, उसे भी भगवान ने नहीं बचाया। इस प्रकार आपकी बदनामी होना प्रभु ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इतने में ही एक लगभग 12 वर्ष का बालक आया और सांड की पीठ पर हाथ रखकर एक हाथ से उसकी पूंछ अमड़ता हुआ भगत जी से दूसरी ओर भगाता हुआ ले गया। भगत जी पहले तो आश्चर्य से उसे देखते रहे, फिर समझ गए कि आप कोई और नहीं, मेरे दीनानाथ ही हैं, दीनानाथ दादा ही हैं। जब साष्टांग दंडवत किया तब भगवान भगत जी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। जब भगवान हंसने लगे तो भगत जी रोने लगे। जब भगवान अंतर्धान हो गए तब भगत जी हंसने लगे और नाचते कूदते अपने घर आ गए। घर पहुंचकर जब वह फिर से ध्यान में बैठे तो भगवान ने प्रकट होकर मुस्कुराते हुए कहा कि तुम तो सांड से डर गए थे, देखा सांड कितना सीधा था, मैं तो उसकी पीठ पर हाथ रखकर ही भगा ले गया। भगत जी बोले, दादा सीधा नहीं था, आपके आने से सीधा हो गया था। भक्तों, उन्होंने कभी विरक्त वेश धारण नहीं किया, हमेशा गृहस्थ वेश में ही रहे, और जिस ब्राह्मण बालक ने उन्हें पागल समझा था, जिसको उन्होंने अपनी सभी अनुभूति बता दी थी, उन्होंने ही बाद में इन सब घटनाओं को लिखा था। प्यारे भाई बहनों, इस सच्ची कहानी को आप हमारी वेबसाइट divyagyans.com पर भी पढ़ सकते हैं। कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और किसी प्रकार की त्रुटि के लिए सभी से क्षमा चाहते हैं। अब प्रेम से प्रभु के स्वरूप का स्मरण करते हुए बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।